Assalamu alaikum students, hope for best of your health and iman. And today's topic is zoology b chapter wise guess. So aaj is tarah se hai ke zoology b ke chapter wise guess aapko bataungi. Aapko chahiye the ki aapne kaha tha mujhse ke aapko chapter wise chahiye kuch zoology b ke guess. Maine full book mein se kuch important topics aur questions aur past papers type video lecture upload kar diya tha, lekin फिर मुझे जो है वो क्यूरी आई कि आपको चाहिए चैप्टर वाइज गेस. लाइक अगर फर्स्ट चैप्टर है इट्स चैप्टर नंबर लाइक इट्स एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है, या फिर जो फर्स्ट बिल्कुल है वो तो वैसे ही एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव और थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी सा चैप्टर है. ठीक है, तो इस तरह से मुझसे पूछा गया था कि उनको डिफरेंट चैप्टर वाइज गेस्ट चाहिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के, तो उस हिसाब से आज वीडियो थोड़ी सी मैंने उसको मॉडिफाई किया है. और ये है कि इस वीडियो में वन चैप्टर का ही मैं डिस्कस कर पा रही हूँ करूँगी, बिकॉज मैंने बनाना तो वैसे इकट्ठी ही थी सब चैप्टर्स की, 3-4 चैप्टर्स इकट्ठे मैंने बनानी थी वीडियो, बट कुछ रूटीन ऐसी हुई कि मुझे इतना टाइम ना मिल सका कि मैं सबको अरेंज कर पाती, इसलिए मैंने आपके लिए आज के लिए वन चैप्टर के लिए किया है. लेकिन आप फिक्र मत करें, डोंट वरी, कि मैं आपके लिए जो न्यू बाकी सब चैप्टर्स हैं उन सबके लिए भी जो इनका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं या टॉपिक्स हैं उस पर भी वीडियो अपलोड कर दूंगी. ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें. इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे कोई क्यूरीज क्वेश्चंस आप वहाँ से भी मुझसे पूछ सकते हैं. इसके अलावा आप कमेंट्स में किसी भी तरह की क्यूरीज को पूछ सकते हैं. ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हैं आपके तो आप उसके लिए भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं थ्रू कमेंट्स. ठीक है, उसके अलावा थ्रू इंस्टाग्राम और फिर जीमेल भी है, आप जीमेल से भी वर्क कर सकते हैं. वो आपको मेरे चैनल पर भी मिल जाएगी वैसे अगर आपको चाहिए. यहाँ पे भी आपको बता देती हूँ, इट्स parkbotanist5@gmail.com. ठीक है, सो इट्स माय ईमेल एड्रेस. सो आई होप के आपको समझ आ गई होगी जो क्वेश्चंस थे कुछ मेरे माइंड में कि आपने मुझसे पूछे हैं, तो मैंने साथ ही वीडियो में सोचा कि आपको बता दूँ. और इसके अलावा फिर भी अगर कोई और भी क्यूरीज हैं, कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं किसी भी तरह, कमेंट्स के थ्रू कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के थ्रू कर सकते हैं. ठीक है, सो पूरी कोशिश करती हूँ कि जिस तरह के भी आपके कमेंट्स या मैसेजेस आते हैं तो उनको आंसर कर सकूँ. तो ये हो गया है आज हमारा जो चैप्टर है. सो इट्स लाइक दिस के आपकी जो टॉपिक्स हैं सब टॉपिक्स मैंने अरेंज किए हैं इस स्लाइड में. इट्स चैप्टर 2 एनिमल लाइक प्रोटिस्ट विच इज प्रोटोजोआ एंड द रिप्रोडक्शन, जो भी सब टाइप्स हैं आपकी रिप्रोडक्शन की प्रोटोजोआ से रिलेटेड. ठीक है, उसकी जो उस चैप्टर में गिवन है जोलॉजी बाय मिलर एंड हैरले. नेक्स्ट इज द लाइफ स्टाइल विद इन द प्लाज्मा, सिंगल प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है एक सिंगल मेम्ब्रेन, बिकॉज उनकी आउटसाइड सिंगल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सो उसके अकॉर्डिंग ही उसका जो है वो है लाइफ साइकिल. ठीक है, और इसके अलावा सुडोपोडिया अमीबाइड मूवमेंट है. अब ये जो अमीबाइड मूवमेंट, सुडोपोडिया, फेलिकुलर स्ट्रक्चर, सीलिया, ये सब जो है ये सब उसकी लोकोमोशन से रिलेटेड, और साथ में ये कि उनका क्या स्ट्रक्चर है. ठीक है, उसके बाद आ जाता है सिम्बायोटिक लाइफस्टाइल, किस तरह से उनकी सिम्बायोटिक लाइफस्टाइल है. ठीक है, प्रोटोजोआ किस तरह से सिम्बायोसिस करके अपना लाइफ जो है उसको स्पेंड करते हैं. नेक्स्ट इज द मेन थिंग द होम्योस्टेसिस, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि उनमें होम्योस्टेसिस किस तरह से वो उसको मैनेज करते हैं, कि अपना जो सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन है, सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन है, टेम्परेचर है सोल्यूट और सोल्यूशन, उसको किस तरह से वो मैंटेन करते हैं विद इन द बॉडी एंड आउटसाइड द बॉडी. सो ये हैं कुछ टॉपिक्स जो इस चैप्टर में से हैं प्रोटोजोआ में से. तो बाकी चैप्टर्स के भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी इंशाल्लाह. तो स्टे कनेक्टेड कि आप उसको जल्द से जल्द जो है वो आपको मिल सके और आपको फ़ायदा दे सकें. सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़.